इंट्रोडक्शन टू बी सी के ये फर्स्ट चैप्टर शुरू किया है इसमें अपन ने देखा ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो टाइप्स के होते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बेसिकली अपन ने ये देखा कि जो भी एक्टिविटीज से अपने को लिविंग अर्न होता है या फिर इनकम जनरेट होती है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती है बाकी की सारी बची हुई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती है इसके बाद अपन ने आगे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कि ये इनकम जनरेटिंग है प्रोडक्टिव है कंजम्पन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट वेल्थ भी ये सब भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इसके बाद अपन आगे बढ़े और अपन ने डोमेन देखा बी uh, के कितना वास्ट है बेसिकली ये अपन ने समझा तो uh, कुछ बेसिकली और कैरेक्टर्स पढ़े बी सी के इज एक्सट्रीमली वास्ट यूनिवर्स बहुत बड़ा है बी के का बिजनेस इतना बड़ा है तो बीसी के बड़ा ही होगा ही सिंपल उसके बाद अपन ने देखा मल्टी डिसिप्लिनरी है एवर एक्सपांडिंग और एवर इवॉल्विंग है अपन क्यों पढ़ते हैं अपने सिलेबस में इसीलिए है क्योंकि अपने को एडवाइजरी काम करना पड़ता है सिंपल <clears throat> मेरी एडवाइज एडवाइजरी बेसिकली अपने को देना पड़ता है तो सिंपल सी बात है अगर आप एडवाइस के रहे हो किसी को तो आपको सामने वाले का पूरा इन एंड आउट सब कुछ पता होना चाहिए तो सामने वाले का बिजनेस आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको अच्छे से एडवाइस नहीं दे पाओगे उसके बाद अपन ने बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा डेफिनेशन पढ़ा बिजनेस का फिर बिजनेस को कंपेयर किया अदर ऑक्यूपेशन से प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट फिर अपन आगे बढ़े और अपन ने सस्टेनेबल बेसिकली डेवलपमेंट के बारे में समझा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपन ने यही समझा कि तीनों पीस जो है अपने पास प्रॉफिट पीपल एंड प्लैनेट ये तीनों भी ग्रो कर सकते हैं बिना किसी के डेटरीमेंट को ध्यान में रखते हुए बिना किसी को डेट्रीमेंट करते हुए अपन तीनों भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं इसके बाद अपन ने शुरू किए थे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपन ने दो फॉर्म्स खत्म किए थे कल सारे फीचर्स अपने को इसमें देखने को मिले सिंगल ओनर के उसके बाद अपन ने आगे देखा इसी के फीचर्स के आगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी वगैरह ऐसे कुछ फीचर्स हैं इसीलिए अपन एक एक करके एक अलग अलग एडवांस फॉर्म पे बढ़ते गए उसके बाद अपन ने फैमिली बढ़ाई और अपन ने क्या शुरू किया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बिल्कुल पता है आप सबको किसका एग्जाम्पल लिया था भूलना नहीं वो एग्जाम्पल थ्री सक्सेसिव जनरेशन चाहिए होते हैं आपको थ्री सक्सेसिव जनरेशन चाहिए होते हैं, हैं आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनने के लिए बिल्कुल <coughs> उसके बाद अपन आगे बढ़े और आज आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं पार्टनरशिप के बारे में तो पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप एक्ट आपने पढ़ा ही है लॉ में <coughs> मेरे से ज्यादा तो आप जानने लग गए हो पार्टनरशिप एक्ट के बारे में तो पार्टनरशिप बेसिकली एक कॉन्ट्रेक्चुअल को ओनरशिप होती है दो स्ट्रेंजर्स या फिर दो अलग अलग इंसान साथ में मिलके आते हैं दो या दो से ज्यादा इंसान साथ में मिलके आते हैं एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस तो अगर लॉसेस हुए तो लॉसेस हुए तो भी शेयर करते हैं इसमें से कुछ एक्टिव पार्टनर्स होते हैं जो एक्टिवली बिजनेस में काम करते हैं और कुछ होते हैं या स्लीपिंग पार्टनर्स जो बैकग्राउंड में काम करते हैं सिर्फ कैपिटल प्रोवाइड करते हैं तो ये जो एक्टिव पार्टनर्स है ये बाकी सबके ऊपर का काम करते हैं इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं बिल्कुल पता है तुमको मुझे ड्रॉइंग करना कितना पसंद है सपोज करो ये है और ये है ठीक है ये है के करके एक लड़का और ये है एस करके एक लड़की इन दोनों ने क्या किया इन दोनों ने पार्टनरशिप फॉर्म की समझे इन दोनों ने पार्टनरशिप फॉर्म की और इस पार्टनरशिप का उन्होंने नाम दिया कस के समझ लो <laughs> कोई नहीं पता ऐसा नाम क्यों दिया बट ओके okay, कोई बात नहीं तो ये कस्ा के जो बेसिकली प्रोविजन होने वाले हैं वो कौन से कौन से होने वाले है, ये हैं ये अपन आगे समझते हैं फीचर्स क्या क्या है पार्टनरशिप के ये समझ रहे हैं समझते हैं चलो आगे बढ़ते हैं बेसिकली <clears throat> ये जो भी इन इनमें प्रोविजन होने वाले हैं वो वो है बेसिकली एक डॉक्यूमेंट में लिखे जाते हैं उसका नाम होता है पार्टनरशिप डील तो हो सकता है ये रिटर्न हो या फिर वर्बल हो जरूरी नहीं है महाराष्ट्र में सिर्फ कंपलसरी है कि <coughs> महाराष्ट्र में सिर्फ कंपलसरी है कि ये रिटर्न में रहे तो जैसे मैं बता रहा था कि कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट जो है बेसिकली ये ये हो सकता है वर्बल हो मतलब ओरल एग्रीमेंट हो या फिर रिटर्न एग्रीमेंट हो दोनों भी चल सकते हैं महाराष्ट्र में सिर्फ कंपलसरी है कि ये रिटर्न में ही होना चाहिए तो इसमें लिखा क्या होता है इसमें आपको पता है इसमें लिखा क्या होता है बेसिस ऑफ बेसिकली कि uh, कौन सा पार्टनर कितना प्रॉफिट शेयर करेगा कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा उसका रजिस्टर्ड एड्रेस कहाँ है बेसिकली ये सारी चीजें लिखी होती है और ये पार्टनरशिप जो है ये गवर्न किया जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से तो से जो भी आपने लॉ में जो प्रोविजंस पड़े हैं वही सारे फीचर्स यहाँ पे हैं तो वही अपन एक एक करके ब्रीफ में समझते हैं ठीक <coughs> है सबसे पहला है फीचर वो है एग्रीमेंट मैंने जैसे बताया दो लोग या दो या दो से ज्यादा लोग कोई भी फैमिली को बिलोंग करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है तो दे डू नॉट शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ अ फैमिली दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कोओनरशिप में आते हैं तो जब कोओनरशिप में आते हैं तभी बेसिकली अपन बोलते हैं कि एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में उसके बाद अपन देखते हैं टू और मोर पर्संस ये इन्वॉल्व होते हैं एक पर्सन कभी भी पार्टनर पार्टनरशिप नहीं चला सकता दो या दो से ज्यादा ही पर्संस होने चाहिए तो आप बेसिकली यहां पे देख सकते हैं कि जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा बेसिकली अपने को ये कैपिटल रेज करने को मिलेगा सोल प्रोपरेटर में एक ही इंसान था जो कैपिटल ला रहा था पार्टनरशिप में दो से दो या दो से ज्यादा लोग आ रहे एक से ज्यादा लोग आ रहे बेसिकली तो अपने को फंड्स भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं इनफैक्ट कंपनी कैन ऑल्सो कंपनी बींग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन ऑल्सो बी एडमिटेड एज अ पार्टनर तो पार्ट कंपनी भी पार्टनर बन सकती है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जो है वो आपको पता है उस वो मैं रिपीट नहीं करने वाला यहाँ पे अकाउंट्स और आपने लॉ में पढ़े हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन तो अगेन मेरे को डिबेट यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना है जो आपने पढ़ा हुआ है वही पे वही प्रोविजन है यहाँ पे भी वही याद रखने हैं आपको ठीक है आगे चलते हैं बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग की फॉर देयर <clears throat> ऐसा नहीं कि सिर्फ डेफिनेशन में है सिर्फ तो बिल्कुल नहीं साथ में रिस्क भी जो भी बिजनेस के रिस्क हैं ये भी शेयर किए जाते हैं सर्टेन पार्टनर्स में प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऐसा हो सकता है कि आप पार्टनरशिप डीड में ऐसा एग्री क्लॉज वगैरह डालो कि कोई पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट्स में ही उसका एडमिशन है बाकी वो लॉसेस वगैरह शेयर नहीं करेगा तो तो नहीं करेंगे अगर आपने तो आप उसमें आप कर सकते हो जैसे कि आप आर्टिकल शिफ्ट में जाते हो तो आप, आपको देखने को मिलता है कि मेजोरिटी ऑफ द सी ए जो है इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द सी ए ये कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है पार्टनरशिप लेकिन पार्टनरशिप कभी हमेशा याद रखो कभी भी नॉन बिजनेस के लिए नहीं खुल सकता पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म फॉर नॉन बिजनेस पर्पज अब वो पार्टनरशिप नहीं होती आप उसमें प्रॉफिट शेयरिंग नहीं कर रहे हो बेसिकली आप डेफिनेशन के अगेंस्ट जा रहे हो तो आप अगर आपका नॉन बिजनेस पर्पज है तो आप प्रॉफिट शेयर नहीं करोगे तो फिर वो पार्टनरशिप

कॉमन इंटरेस्ट में काम करते हैं एक दूसरे के लिमिटेशन भी है बेसिकली म्यूचुअल एजेंसी क्योंकि एक इंसान का एक पार्टनर का इफेक्ट जो है उसने अगर कुछ गलत काम किया है बेसिकली तो सारे पार्टनर्स को उसका इम्पैक्ट भुगतना पड़ता है तो ये एक बेसिकली अगला वाला फीचर भी है यही अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो जो जो लाइबिलिटी होती है हर पार्टनर की हर पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है फॉर्म में वो होती है जॉइंट सेवरल एंड अनलिमिटेड मतलब अगर आपके फर्म के एसेट्स आपके सफिशियंट नहीं है तो आपको अपने पर्सनल एसेट्स वो पर्सनलिट कम्प्लीट क्योंकि पार्टनरशिप बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होता है तो अगर कोई पार्टनर बोलता है कि मैं नोटिस वगैरह देता है कि मैं पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करने वाला या नहीं करना चाहता तो बेसिकली उसको हटा दिया जाता है या फिर पार्टनरशिप सीज टू एग्जिस्ट सिंपल सी बात है उसके बाद सक्सेशन ऑफ ओनरशिप ओनरशिप पार्टनरशिप में नहीं है जब तक कोई न, नया पार्टनर एडमिट नहीं होता लेकिन नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं फिर भी सबका कंसेंट चाहिए अगर किसी भी पार्टनर बोल रहा है कि मेरे को ये पार्टनर एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप नया पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते तो सबका बेसिकली कंसेंट चाहिए अदर पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए तभी आप नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हो ज्यादा डिटेल में नहीं है अपने को सिर्फ ओवरव्यू था इतना ही तो ये अपने अपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अच्छे से लॉ में किया ही हुआ तो वही चीजें याद रखो बस सिंपल ओके okay, आगे बढ़ते हैं <clears throat> आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक नए फॉर्म की नया फॉर्म जो है बेसिकली Uh, जो नया फॉर्म आपने को पूरे ग्लोबली देखने को मिला है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पार्टनरशिप में पार्टनरशिप में कुछ लिमिटेशन है सबसे मेन जो लिमिटेशन है पार्टनरशिप में वो है बेसिकली कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो होती है ज्वाइंट अनलिमिटेड इसलिए नया एक बिजनेस फॉर्म उभर के आया रिसेंट टाइम्स में जिसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एल एल पी ये भी मेरे ख्याल से आपको आ, पढ़ाया जाता है लॉ में इज इट ना लॉ में है कि नहीं है यस yes, ओके okay. तो लॉ में जो एक्ट है बेसिकली आपका वो है 2008 थाउजेंड एंड एट यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है ये 2008 है एल एल पी एक्ट दो इसमें बेसिकली सारे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है ये लिमिटेड होती है

सिंपल सी बात है पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती लिमिटेड जितना आपने कैपिटल डाला है उतनी ही आपकी लाइबिलिटी होगी ट्रेडिशनल में ऐसा नहीं था ट्रेडिशनल में अपने को अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी देखने को मिलती है पार्टनरशिप पार्टनरशिप के के ट्रेडिशनल के केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता जैसे मैंने आपको समझाया आप आपका रजिस्ट्रेशन करना ऑप्शनल है आपको करना है नहीं करना रजिस्ट्रेशन ये आपके ऊपर है लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं है इनकॉर्पोरेशन इज मैंडेटरी कहाँ पे रजिस्टर करते हो आप ministry of corporate affairs mca उसके बाद आर ओ सी इज द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी क्योंकि आप रजिस्टर कर रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी जो होती है वो होती है आर ओ सी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और यहाँ पे अगर आप पार्टनरशिप एक्ट में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर करते हो तो वो होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स बहुत सारे स्टेट्स में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स मौजूद होता है उसके बाद बहुत सारे बहुत सारे नहीं बोलूंगा मैं लेकिन ऑफ़ कोर्स अगर इन दोनों ट्रेडिशनल पार्टनरशिप और एलएलपी की अगर बात करें तो स्टेचुटरी कंप्लायंसेस जो है आपके वो एलएलपी में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं लेकिन यहाँ पे अपने को ज्यादा कंप्लायंसेस देखने को नॉर्मल पार्टनरशिप में ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में ज्यादा कंप्लायसेस देखने को नहीं मिलते उसके बाद है एवरी पार्टनर ऑफ ऑफ़ ओनली एजेंट फर्म यहाँ पे ट्रेडिशनल पार्टनरशिप partners, में एवरी पार्टनर ऑफ फर्म इज एजेंट ऑफ फर्म एंड ऑल्सो ऑफ द अदर पार्टनर मतलब ये है कि सिर्फ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में ये कंसेप्ट है कि अगर कोई पार्टनर Uh, कोई एक्ट करता है कोई डीड करता है तो इसका मतलब वो पूरे फर्म को और बाकी के पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट करता है लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता एलएलपी में जो पार्टनर है बेसिकली ये सिर्फ फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है बाकी के पार्टनर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे कि अगर बाकी के पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता तो बाकी के पार्टनर्स की भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती उस पार्टनर की तरह लेकिन अपने नाम ही है एल में नाम ही है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सिंपल <coughs> तो अगर आपको शादी करने का मौका मिले कभी मिलेगा ही सबको अगर आपको शादी करने का मौका मिले तो आप कौन सा एग्रीमेंट करवाना चाहिए? आपके पास अगर दो ऑप्शन रहे ट्रेडिशनल पार्टनरशिप और एलएलपी तो आप कौन सा प्रेफर करोगे एलएलपी या ट्रेडिशनल पार्टनरशिप शादी के लिए <laughs> बच्चे बोल रहे हैं एलएलपी क्या बात है <laughs> गुड गुड <laughs> बहुत अच्छा मतलब हस्बैंड के कर, करतुत्व पे वाइफ जिम्मेदार नहीं होगी और वाइफ के करतुत्व पे भी हस्बैंड जिम्मेदार नहीं होगा बहुत बढ़िया लिमिटेड लाइबिलिटी क्या बात है वेरी गुड आगे बढ़ते हैं लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फिर ये चैप्टर ख़त्म लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो है आपका कंपनी Company is a body corporate. आ, ये अलग से एग्जिस्टेंस में लाना पड़ता है इसको सिंपल सी बात है इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एक आप बेसिकली जब आप कंपनी बना रहे हो इसका मतलब आप एक इंसान को एक पर्सन को जन्म दे रहे हो आर्टिफिशियली पैदा कर रहे हो तो बेसिकली कंपनी का एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स बाकी के फॉर्म और जर, में एलएलपी का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है लेकिन बाकी के जो है सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर तुम्हारा पार्टनरशिप इनका इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस नहीं होता तो इट एग्जिस्ट इन द कंटेम्प्लेशन ऑफ लॉ हैज अ डिस्टिंक्ट नेम टू नेम अ फ्यू कंपनीज आपका जो थर्ड चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंपनीज के रिलेटेड ही है जो अपन इसके बाद देखने वाले हैं तो बेसिकली हर एक कंपनी का अलग नाम होता है कोई भी दो कंपनीज का नाम सिमिलर नहीं हो सकता हमको भी, भी। तो जैसे मैं बता रहा था कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी होता है एक एड्रेस होता है और आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जाता है कंपनी को आजकल 2013 से मार्केट में एक नया कंसेप्ट निकल के आया दैट इज वन पर्सन कंपनी पहले कंपनी क्रिएट करने में आपको मिनिमम दो लोग लगते थे जैसे आप यहाँ पे नीचे देख भी सकते हैं प्राइवेट और पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ पे दो लिए हुए लेकिन एक नया कंसेप्ट ग्लोबली निकल के आया company, OPC, जिसको में कहा जाता है तेरा में तो बात करते थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स की डॉक्यूमेंट्स uh, जो जो लगते हैं नीचे से स्टार्ट करते फीचर्स ऊपर याद रखना इधर प्राइवेट है इधर पब्लिक है डॉक्यूमेंट्स की थोड़ी बात करते हैं <clears throat> तो अगर आपको प्राइवेट uh, कंपनी खोलनी है तो कुछ प्रोसीजर कुछ इस तरह से है एमओ लगता है एओ लगता है एम ओ एओ नाम सुना है पहले यस नो यस नो क्या है फुल फॉर्म्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ

कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है ये तो प्राइवेट uh, कंपनी को इतना ही चाहिए बिजनेस बिजनेस स्टार्ट स्टार्ट कर सकता है इट कैन अपॉन इनकॉर्पोरेशन जैसे ही इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो पब्लिक कंपनी में एक और प्रोसीजर है एक और डॉक्यूमेंट है तो एमओ लगता है आपको एओ लगता है उसके बाद आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसके बाद और एक डॉक्यूमेंट मिलता है आपको बिल्कुल सही जवाब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जैसे ये मिला उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बेसिकली पब्लिक कंपनी में थोड़ा प्रोसीजर लंबा है अपना लंबा देखने को मिलता है ठीक है उसके बाद और चीजें बात करते हैं और फीचर्स के बारे में बात करते हैं और फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी में जैसे मैंने बताया मिनिमम आपको दो मेंबर्स चाहिए पब्लिक में मिनिमम सात चाहिए प्राइवेट कंपनी का मैक्सिमम लिमिट जो है वो है दो सौ और पब्लिक कंपनी लोग इसीलिए खोलते हैं क्योंकि अगर उनके मेंबर्स एड होते जा रहे हैं ऐड होते जा रहे हैं तो प्राइवेट कंपनी में वो तो नहीं फिट बैठ पाएंगे इसलिए पब्लिक कंपनी का ये मेन फीचर होता है दैट इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने भी मेंबर्स ऐड हो सकते हैं

तो ये जो है बेसिकली फ्रीली ट्रेडेबल है मार्केट में <coughs> मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने लगते हैं आपको प्राइवेट में आपको प्राइवेट में मिनिमम दो डायरेक्टर्स लगते हैं और पब्लिक में आपको मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स लगते हैं प्राइवेट कंपनीज की अगर बात करें तो प्राइवेट कंपनीज को कोई भी ये आंडू पांडू कमेटीज के जो नाम दिए गए हैं यहाँ पे ये सब कोई खोलनी नहीं पड़ती कोई फॉर्म नहीं करनी पड़ती बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली रिलैक्स से चिल करके बैठ सकते हैं ना उनको ऑडिट कमिटी खोलनी है बनानी है ना सी एस आर ना रेमेशन कोई नहीं कोई नहीं पब्लिक कंपनी में झंझट बहुत है ये सारे कमिटीज़ बेसिकली खोलने पड़ते हैं कंप्लायसेस है स्टेचुटरी कंप्लायसेस mm था, कि स्टेचुटरी कंप्लायसेस जो है वो पब्लिक कंपनी में ज्यादा है ओके okay, तो यही आपका लेसन खत्म होता है चैप्टर नंबर वन इज ओवर इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज प्लीज कमेंट्स में बताऊंगी